तो चलिए स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल। तो कह रहे बच्चों ये जो साइकिल है ये फेस है बायोसिंथेटिक फेस, ठीक है। इससे पहले जो फेस होता है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल फेस। बायोकेमिकल फेस के अंदर ATP और NADPH बनती है। ATP और NADPH लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है, लेकिन ये यूज होती है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो बायोसिंथेटिक फेस को हम डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं बेटे, डार्क रिएक्शन। और ये जो डार्क रिएक्शन है ये दो तरीके से होती है, एक तो है C3 साइकिल और एक होती है C4 साइकिल। तो पहले हम करेंगे C3 साइकिल और उसके बाद डिस्कस करेंगे C4 साइकिल। पॉइंट क्लियर? या रिपीट करो उस पॉइंट को। बायोकेमिकल फेस के अंदर क्या बनती है? ATP और NADPH, बोथ आर कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर। और वो जो पावर है वो यूज होती है बायोसिंथेटिक फेस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। पॉइंट क्लियर? तो डार्क रिएक्शन जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो C3 साइकिल और एक होती है C4 साइकिल। तो C4 साइकिल बाद में करेंगे, तो पहले स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल। तो सबसे पहला पॉइंट कि C3 साइकिल को हम लोग C3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और इसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच कंटेन 3 कार्बन। तो इस स्टेबल कंपाउंड के पास 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होने की वजह से इसका हमने साइकिल का नाम दे दिया C3 साइकिल। और जो डार्क रिएक्शन है बेटा ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा एक फ्लूइड पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, तो स्ट्रोमा के अंदर होती है। लाइट हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये होती है डार्क रिएक्शन। लेकिन जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा होगी लाइट की प्रेजेंस में। तो ये लाइट की प्रेजेंस में हो भी सकती है और लाइट की एब्सेंस में भी ये हो सकती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसमें एक 5 कार्बन कंटेनिंग एक सबस्ट्रेट इसमें पाया जाता है, प्लांट्स में तो होता ही 5 कार्बन कंटेनिंग सबस्ट्रेट, दैट इज RUBP। बेटे इसको बोलते हैं RUBP। ये 5 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड है, ओके। और यहां पर एक एंजाइम मिलता है प्लांट्स के अंदर, उसका नाम होता है रूबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेट और ऑक्सीजिनेज, ओके। और ये जो एंजाइम है बच्चों, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द प्लांट वर्ल्ड। ये है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। इसके फंक्शन होते हैं ड्यूल फंक्शन, यहां मैं नहीं देता हूं, इसके होते हैं ड्यूल फंक्शन। जब एटमोस्फियर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये कोज करेगा कार्बोक्सिलेशन। तो बेटा ये क्या कोज करेगा? कार्बोक्सिलेशन। अगर प्रोसेस उल्टा हो जाए एनवायरमेंट में, एटमोस्फेयर में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और CO2 की कम हो जाए तो तब ये कोज करेगा ऑक्सीजिनेशन। तो ये दोनों ही काम करता है, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया यहां पर ड्यूल फंक्शन। Sometimes it causes carboxylation and sometimes it causes oxygenation. अब इस प्रोसेस के अंदर ये कोज करेगा कार्बोक्सिलेशन, नॉट ऑक्सीजिनेशन, ठीक है। तो ये कब करेगा ये बेटा? जब O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन। तो वो आपको अलग वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसको कहेंगे हम C2 साइकिल, ओके। तो यहां पर हम इसके बारे में नहीं बताएंगे आपको। तो 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर एटमॉस्फेयर से बच्चों ऑक्सीजन सॉरी CO2 आ जाएगी तो समझ लीजिए कि एक कार्बन ये आ गया, ओके। तो एक कार्बन यहां से आ गया तो 6 कार्बन का एक कंपोनेंट बनता है, एक कंपाउंड बनता है 6 कार्बन का, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन। और उसके बाद फिर
जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा उसका नाम होता है थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, लेकिन ये यहां पर दो बनेंगे क्योंकि टोटल यहां पर सिक्स कार्बन हो चुके हैं, तो थ्री कार्बन के यहां पर दो ये कंपाउंड बन जाएंगे थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। पॉइंट क्लियर। उसके बाद थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड के अंदर यहां पे एक एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होगा एनएडीपीएच का। इन दोनों को हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ओके, तो यहां आके ये यूज हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये अगर टू से मल्टीप्लाई है तो इन एटीपी और एनएडीपीएच को भी हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर टोटल दो एटीपी टूटेगी एडीपी के अंदर प्लस में फॉस्फेट के अंदर, और एनएडीपीएच जो होगा बेटा वो बन जाएगा उससे एनएडीपी पॉजिटिव आयंस। तो ये भी इट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय टू, तो दो ही यहां पर एटीपी यूज हुई है और दो ही क्या यूज हुए हैं एनएडीपीएच। उसके बाद क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इनका जब रिडक्शन हुआ है तो इससे बन जाएगा ट्रायस फॉस्फेट। ट्रायस फॉस्फेट जो बनेगा तो ये भी यहां पर टू कार्बन थ्री कार्बन कंटेनिंग होता है ट्रायस फॉस्फेट ट्रायस, लेकिन इसके भी दो कंपाउंड बनेंगे, तो टोटल यहां पर भी आपके छह कार्बन जा चुके हैं। तो छह कार्बन से बेटे लास्ट में क्या बन जाएगा, सुक्रोज और स्टार्च। सुक्रोज से क्या बन जाएगा, स्टार्च। इसको आप लोग बोल सकते हैं हेक्सोज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सोज, क्योंकि ट्रायोज यहां पर जो है थ्री कार्बन कंटेनिंग है और दो कंपाउंड के बने हुए हैं, तो तीन दो छह हो गया, तो छह कार्बन का यहां पर ये बन जाएगा हेक्सोज और आप सो कहेंगे सुक्रोज। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप हो चुकी है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप हो चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है एंड इट इज वेरी क्रूशियल, इसको बेटा हम बोलते हैं वेरी क्रूशियल स्टेप, क्योंकि इसके अंदर CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टार्ट हो गया आपकी ये थर्ड स्टेप कि इस हेक्सोज से कैसे रीजनरेशन हो जाएगा, रीजनरेशन ऑफ RuBP, कि दोबारा से जो ये RuBP है वो कैसे बनेगा। तो बेटा इसके बनने के लिए यहां पर एक एटीपी का फिर ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर, एडीपी में प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो फिर क्या होगा, इस हेक्सोज से और ट्राइफॉस्फेट के आपस में मिलने से यहां पर दोबारा से RuBP का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर ये जो RuBP अगेन बेटा यहां पे आएगी दोबारा से और इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम फिर से ये CO2 कैच करके फिर दोबारा क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेशन, और फिर से क्या बन जाएगा, थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। तो हर बार एक CO2 अटैच होती है एक साइकिल के अंदर, और आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पर कितने कार्बन होते हैं, सिक्स कार्बन होते हैं, सिक्स CO2 प्लस में 12 H2O यूज होगा, लगभग एक CO2 है तो H2O यहां कितने होंगे, दो होंगे। तो वो रिएक्शन क्या थी, सिक्स CO2, चलो यहां मैं लिख देता हूं, सिक्स CO2 प्लस में 12 H2O। तो बेटा ये इनपुट है और इस इनपुट की वजह से यहां से क्या बना था इसके अंदर, बताइए C6H12O6, ये बन गया ग्लूकोज, यहां बन जाएगा बेटा ग्लूकोज और ये हो गया स्टार्च, तो ये बन जाएगा इसके अंदर। तो ये इनपुट है 6 CO2 की, और हमेशा जो H2 होगा वो CO2 से डबल होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी H2s आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वन कार्बोक्सिलेशन और वन साइकिल, तो वहां पर 2H2 मॉलिक्यूल यूज होंगे और एक CO2 यूज होंगे। तो इसीलिए इसकी फॉर्मेशन के लिए आपको 6 और 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिएक्शन को बेटा 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सपोज कीजिए इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 टाइम पूरे रिएक्शन को, तो टोटल कितने एटीपी हो जाएंगे, अब यहां पे 2 एटीपी ये है और 1 एटीपी ये हो गया, तो जब 3 एटीपी एक साइकिल में है तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6:3 एटीपी, तो फिर टोटल यहां पे हो जाएंगे 18 एटीपी। ओके, ये टूटेंगे तब क्या बनेगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। एंड हाउ मेनी एनएडीपीएच,
तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 होगी इसके अंदर 2NADPH, तो ये हो जाएगा आपका आएगा 12NADH। इसको हम ठीक कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2NADH DPH को 6 से, तो ये बन गया 12NADPH। और मैंने आपको बताया कि दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, और किस प्लांट की हेल्प में गई थी बेटा? यहां पे एक एल्गी थी, उसका नाम है क्लोरेला। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मेल्विन केल्विन है तो उसने किस एल्गी पे काम किया था, उस एल्गी का नाम था क्लोरेला, इज ए ग्रीन एल्गी। और कार्बन 14 जो था वो एक रेडियो एक्टिव कार्बन था, उसका यूज किया गया था। और उसका यूज करने के बाद ये पता लगाया कि सबसे पहले और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आई होप आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।